हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट लखीमपुर खीरी यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ सौरभ गुप्ता, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। तो आप इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज में हम लोग आईयूपीएसी का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी चैनल पर आ चुका है, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके उस लेक्चर को आप लोग जरूर देखिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप उस लेक्चर को जरूर अटेंड करिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। उस लेक्चर में हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था आईयूपीएसी का, कि आईयूपीएसी की आखिर शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों जरूरत पड़ी आईयूपीएसी नाम की, और कैसे उसको हम सिक्वेंशियल तरीके से लिखते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको उस लेक्चर में बताई हैं। छोटा सा लेक्चर है, आप जा करके उसको जरूर से देखिए। तो अब हम लोग अपने आज के इस लेक्चर पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जा करके सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी, ठीक है, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल पाएंगी। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे, वहां पर एक बेल आइकन का भी ऑप्शन आएगा, उसमें आपको ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है, जिससे आपको जितनी भी वीडियोस स्टडी पॉइंट चैनल पर अपलोड होंगी वो सभी आपको तुरंत टाइम टू टाइम मिल पाएंगे, और तभी आपका भला हो पाएगा। और फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों पर। कहाँ शेयर करना है? अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करिए, इंस्टाग्राम पर शेयर करिए, फेसबुक पर शेयर करिए, और आप हमारे भी टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा फायदा है कि आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे ही ये लेक्चर अपलोड होगा चैनल पर, वैसे ही आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ये लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो करना है, आपको हमारा फेसबुक पेज पर भी जा करके इसको फॉलो करना है। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जाइए और इसको तुरंत से फॉलो करिए, ठीक है। अब हम लोग बिना किसी देर किए चलते हैं अपने लेक्चर नंबर 2 की तरफ, ठीक है। लेकिन हम अपने लेक्चर को शुरू करें इससे पहले, आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को फटाफट से शेयर करिए। सबसे पहले का काम आपका यही होगा, आप इसको शेयर करिए अपने इंस्टाग्राम पेज पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, और अपने सभी दोस्तों को जो भी 11th 12th साइंस स्ट्रीम से हैं या आगे करना चाह रहे हैं, या जिनका एम नीट है, या अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं या जेई के एस्पिरेंट हैं, तो जाकर के तुरंत उनको शेयर करिए ये वीडियो, क्योंकि ये उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जो कंटेंट मैं आपको इस चैनल पर फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ लाखों रुपए देकर के, बड़ी बड़ी कोचिंग्स ये कंटेंट भी अवेलेबल नहीं करा पाती हैं। तो इसलिए आपको और आपके दोस्तों को ये कंटेंट देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके मन में डॉक्टर या इंजीनियर बनने की ललक है, तो आप जाकर के इसको जरूर देखिए, यहीं पर आकर के देखिए, कहीं जाना नहीं है आपको। अपने दोस्तों को बस शेयर कर दीजिए, उनको बुला लीजिए कि आओ अभी ये लेक्चर देखना है, हर रोज 5 बजे। बस आज के इस लेक्चर में थोड़ी सी डिले हो गई टेक्निकल इशू की वजह से, वरना 5 बजे आपको शार्प आपको हमारे इस चैनल पर वीडियो अवेलेबल मिलेगी। तो अब हम चलते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग ने नाम लिखने के तरीके कुछ समझा था, तो आज भी हम इसको कुछ दो रूल आपको बताएंगे, दो रूल जो इम्पॉर्टेंट थे, जो लास्ट क्लास में रह गए थे, उनको मैं पहले अभी आपको कंप्लीट कराऊंगा, और फिर हम आपको बताएंगे कि आगे के आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम लोग मूव करेंगे। तो वो दो रूल सबसे पहले समझ लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये रूल आप समझें, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन, ये दो चीज़ें आप अपने साथ जरूर रखिए, क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ
जो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ ये आपने साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जो नोट्स आप अपनी हैंडराइटिंग में बनाएंगे वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसलिए इन नोट्स को जरूर से बनाइए, ये आपके लिए एग्जाम तक बहुत फायदा करेंगी और मैं गारंटी देता हूं कि आपके नंबर जरूर इंक्रीज होंगे। इस चैनल पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कैसे अपने नंबर इंक्रीज करने हैं, कौन सी गलतियां हैं जो आप लोग करते हैं वो आपको नहीं करनी है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को डेली डेली देखेंगे कि कौन सी वीडियो आ रही है। तो इसको ये तभी होगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो इसलिए फटाफट सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कॉपी पेन आप लोगों ने ले लिया होगा अब तक। चलिए अब हम आपको रूल बताते हैं। रूल कुछ ऐसा है, देखिए रूल क्या है। रूल कुछ ऐसा है कि इन नंबर इन आईपीएससी नेमिंग टू नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा एंड वन लेटर एंड वन नंबर इज सेपरेटेड बाय हाइफ़न। देखो सिंपल तरीका, अगर कहीं आपको नंबर्स दिख जाएं टू को टू 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 थ्री टू फोर, तो इनको सेपरेट करना है कॉमा से, कॉमा लगा करके सेपरेट करना है। अगर कहीं आपको नंबर और अल्फाबेट मिल जाए, जैसे टू मिथाइल या थ्री इथाइल, तो इनको आपको सेपरेट करना है हाइफ़न लगा करके। इतनी बात क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा, इतने सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, कोई डाउट नहीं होगा। तो इस पहले वाले रूल में यही लिखा हुआ है, ठीक। दूसरा रूल ये कह रहा है कि जो भी आप आईयूपीएससी नाम लिखेंगे उसमें कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। आईयूपीएससी नाम लिखते समय कहीं पर कोई स्पेस नहीं देना, कॉमा हाइफन जहां लगाना है वहां लगाइए, बाकी कोई स्पेस मत दीजिए। ये दो रूल है। आइए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इस समय, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इसको सॉल्व करना है। देखो अभी मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है आप उसको तुरंत वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए, और फिर उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करिए और आंसर मिलाइए कि ये सही है या नहीं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको धीरे धीरे गलतियां समझ में आएंगी कि हमने कहां पर गलती करी है। और अगर आप सीधे छापते रहेंगे नोट्स, जैसे बनवा रहा हूं वैसे आप बनाते रहेंगे, तो कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है, तो नंबर इंक्रीज नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको कहां पर गलतियां हो रही हैं इसको पकड़ना है, ठीक है, इन्हीं को सिली मिस्टेक्स कहते हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करना क्या है, इसका नाम लिखना है, नेमिंग करनी है। तो आइए कुछ समझ लीजिए पहले छोटी छोटी बातें, फिर इन्हीं को आज मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अगर आपसे गलत भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको आज पूरे के पूरे इस वीडियो में यही सब बताऊंगा, कैसे नाम करना है, कैसे पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है, कैसे नंबरिंग करनी है, सब मैं आज बताऊंगा। चलिए अब मैं इसमें सबसे पहले आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं बता देता हूँ, कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो उसको सेलेक्ट करना है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जब हम यहां से यहां जाएंगे तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स मिलेंगे। तो जब यहां से यहां जाने पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स मिल रहे हैं तो आप तुरंत नंबरिंग कर दीजिए। तो नंबरिंग हम वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन नंबर हो गए, ठीक है। आप कुछ लोग कह रहे होंगे सर इधर से नंबरिंग कर दीजिए, तो जब हम इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी इधर से इधर पर थ्री और इधर पे फाइव आएगा। तो जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, जो मेरा उद्देश्य है कि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले, तो दोनों तरफ से वो बराबर ही आएगा, कोई इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। नंबरिंग हम एक तरफ से लगा करके दूसरे तरफ ही करते हैं, बीच से नंबरिंग नहीं स्टार्ट कर सकते। वो हम तभी कर सकते हैं जब हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वहां से मिल रही हो, ठीक है। अब कुछ लोग इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं कि हम लिखेंगे थ्री मिथाइल कॉमा फाइव, सॉरी हाइफ़न फाइव मिथाइल और सात कार्बन के लिए हेप्ट और फिर इन, ये हो गया। जब ऐसा लिखते हैं तो ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि दो एक जैसी दिखने वाली चीजों को हम अलग अलग नहीं लिखते, इनको हम क्या करते हैं एक साथ लिख करके
ये जो तीन और पांच नंबर्स है इनको लिखते हैं 3.5, और दो बार आया इसलिए डाई लगा देते हैं, फिर लास्ट में रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं। लिखते कैसे हैं मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको प्रिफिक्स लिखना होता है, फिर आपको रूट वर्ड लिखना होता है, और फिर आपको सफिक्स लिखना होता है। ठीक है, प्रिफिक्स में भी सबसे पहले सेकेंडरी प्रिफिक्स लिखना होता है, फिर आपको रूट वर्ड लिखना होता है, सेकेंडरी प्रिफिक्स, फिर प्राइमरी प्रिफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स और देन सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, ये चीजें आपको लिखनी होती हैं। अब ये क्या होती हैं, ये जाकर के हमारा पहला लेक्चर आप देखेंगे तभी आपको समझ आएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, सही नाम क्या होगा वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, मैं तब तक पेन चेंज कर लेता हूं। देखो सही नाम क्या होगा, नाम होगा इसका 3.5, फिर हाइफेन डाई, फिर लिखेंगे मिथाइल। ठीक है, और ये हो गया आपका सेकेंडरी प्रिफिक्स। प्राइमरी प्रिफिक्स कुछ है नहीं तो इसलिए रूट वर्ड पर आ जाते हैं। रूट वर्ड क्या है, 7 कार्बन है, तो इसलिए क्या लगाएंगे, हेप। और प्राइमरी सफिक्स सारे सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या लगाएंगे, एन। तो क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल 5, 3.5 डाइमिथाइल हेप्टेन, ये इसका करेक्ट नेम हो जाएगा। कोई डाउट हमें नहीं लगता होनी चाहिए। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट रहती है तो कमेंट सेक्शन खुला है, फटाफट से उसमें कमेंट कर दो, नेक्स्ट वीडियो आएगी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, सिंपल। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको जैसे आपने पहले क्वेश्चन में किया वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करना है। वीडियो को पॉज करना है, खुद से सॉल्व करना है, फिर रिज्यूम करना है, वीडियो को देख लेना है आंसर आपका सही है या नहीं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी। ठीक है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट होगी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब हमें क्या करना है, इसमें आपको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे। नंबरिंग इधर से क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप दूसरी तरफ से नंबरिंग करोगे तो जो आपके सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा, जो कि गलत होगा। हमें सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर देना होता है। अगर इधर से आप करेंगे नंबरिंग तो जो आपके सब्स्टिट्यूएंट हैं उनको मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा, जो कि गलत होगा। ठीक है, ये सही नहीं है सर, ये गलत तरीका है। ठीक है, तो इसको जब हम अब नाम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखो एक आपका सब्स्टिट्यूएंट यहां पर आया है, एक यहां पर आया है, और एक यहां पर आया है, तो तीनों को एक साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तीसरी पोजीशन पर है, चौथी पोजीशन पर है, और पांचवी पोजीशन पर है, इन्हीं पोजीशंस पर है, डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे ट्राई, क्योंकि तीन आए हैं एक साथ, इसलिए क्या लिखेंगे, ट्राई लिखेंगे। ठीक है, 3.5, 4.5 ट्राई। अब क्या है, मेथाइल, तो हमने क्या लिख दिया, मेथाइल लिख दिया। ठीक है, अभी इधर पे मेरा शायद वो आ रहा होगा इस वजह से हम इसके नीचे लिख रहे हैं, लेकिन आपको अपनी कॉपी में सीधे सीधे लिखना है। ठीक है, मैं नीचे लिख दे रहा हूं। तो यहां पर क्या हो गया, 3 मेथाइल। और अब क्या करेंगे, हम रूट वर्ड पर जाएंगे। रूट वर्ड क्या है, 8 कार्बन है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, ऑक्ट। फिर प्राइमरी सफिक्स के लिए क्या लगाएंगे, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं ईन। और कौन सी पोजीशन पर है, 3 और 4, तो इसमें क्या करते हैं, मिनिमम नंबर देते हैं, तो मिनिमम नंबर कौन सा है, 3, तो लिखेंगे 3, और फिर क्या करेंगे, इन लिख देंगे। वेरी सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्टेन ऑक्ट इन 3। ठीक है, कोई डाउट, हमें नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए आप लोग। अब आगे चलते हैं, अब देखिए आगे जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। मेन टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, यानी सिंगल बॉन्ड वाले क्वेश्चंस आज हम लोग टैकल करेंगे। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले क्वेश्चंस, और कुछ होमवर्क भी आपको मिलेगा आज, उसको आपको करना है। ठीक है, ध्यान से। चलो तो आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कैसे पेरेंट चेन को सेलेक्ट करते हैं, फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि नंबरिंग कैसे करते हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे कि नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब हम लोग आज के ही इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं। देखो पेरेंट चेन के मेनली दो रूल हैं, और इन्हीं दोनों रूल्स को आज हम पढ़ेंगे।
देखो पहला रूल, ये दो रूल्स पढ़ेंगे इस पैरेंट चेन को सिलेक्शन के लिए। पहला रूल ये कहता है कि जो भी आपकी चेन है, चाहे वो उसको हम पैरेंट चेन बोलते हैं, मेन चेन बोलते हैं, प्रिंसिपल चेन बोलते हैं या रूट चेन बोलते हैं, ठीक है, इसमें से आप कुछ भी नाम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके सामने उसमें क्या होना चाहिए, जैसे मैं बता दूं, पैरेंट चेन, रूट चेन या मेन चेन में ये वो चेन होती है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है। जो भी आपको कंपाउंड मिलेगा उसमें सबसे पहले आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन सेलेक्ट करना है, और उसी को क्या बोलते हैं, पैरेंट चेन, रूट चेन, मेन चेन या प्रिंसिपल चेन, ठीक है, ये बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने यहां पर देखा, यहां पर हमें सबसे मैक्सिमम जो है 9 कार्बन की ही चेन मिल रही है जो कि स्ट्रेट है, ठीक है। अब इसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें देखो इसमें क्या है, अगर आप सीधे सीधे जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट, अगर आप इस तरीके से जाएंगे नंबरिंग का, अगर आपने चेन सेलेक्ट करी तो आपको मिलेंगे 6 कार्बन, ठीक है। अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो आपको मिलते हैं 8 कार्बन, दो पॉसिबिलिटी हो गई। तीसरी पॉसिबिलिटी यह है कि आप इस तरफ से नंबरिंग करिए ऐसे, या चेन सेलेक्ट करिए, तब आपको 9 कार्बन मिलते हैं। तो आप बताइए आपका मेन टारगेट क्या था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को सेलेक्ट करना, वो चेन सेलेक्ट करना जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो। तो इसलिए सही कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। ये दोनों क्यों गलत हुए, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन नहीं। समझ में आया? ओके, अगर समझ में आया तो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने आपको समझा दिया, अब यही क्वेश्चंस पर आपको अप्लाई करना है। तो करिए, वीडियो को पॉज करिए, फटाफट से इसको करके दिखाइए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, हम क्या करेंगे, यहां से चलेंगे और नीचे तक जाएंगे। देखिए यहां से अगर हम उधर जाएंगे तो कम नंबर मिलेंगे, हम नीचे आ जाते हैं, ये देखो, ठीक है। जब हम यहां तक आएंगे तो हमें टोटल जो कार्बन मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 13 कार्बन मिलेंगे। अगर इस सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहां 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 ये और फिर ये, तो यहां पर टोटल 6 कार्बन मिलेंगे। अगर आप इधर चलेंगे तो चाहे आप ये वाली चेन सेलेक्ट कर लीजिए या ये वाली चेन सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों में क्या होगा बेटा, बराबर नंबर ऑफ कार्बन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर टोटल कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 5 कार्बन मिलेंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको टोटल 13 कार्बन मिलते हैं, यहां पर आपको 6 कार्बन मिलेंगे, यहां पर आपको 5 कार्बन मिलेंगे, ठीक है। कोई डाउट? ये कोई डाउट इसलिए बार बार पूछ रहा हूं कि जैसे ही आपको कोई डाउट लगे तो तुरंत आप मेंशन कर दीजिए कि सर यहां पर ये डाउट है, इसको आप प्लीज नेक्स्ट क्लास में हमको समझा दीजिए या दोबारा से इसको बता दीजिए, ठीक है। हो सकता है आपको एक बार में समझ में ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दूसरी बार में समझा देंगे। अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि सर आपने जो अभी इतना बताया, अगर मान लीजिए कि दो चेन सेम कार्बन की हो जाए, दो चेन आपको सेलेक्ट करी जो आपने, वो नंबर ऑफ कार्बन उसमें सेम हो जाए, जैसे यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो लिखा हुआ है, इफ नंबर ऑफ कार्बन इज सेम देन सेलेक्ट दैट चेन विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचिंग। अगर दो चेन है और आपने दोनों को सेलेक्ट, उसमें से एक को सेलेक्ट करना है, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, ये आप देखने के लिए आपको वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट यानी साइड चेन ज्यादा हो, ठीक है, जो इधर उधर के लगे होते हैं ना, मिथाइल इथाइल ये सब ग्रुप जिसमें ज्यादा आने, वो वाली चेन आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब देखो जैसे जब ये वाली हमने चेन को सेलेक्ट किया स्ट्रेट, क्योंकि अगर आप इधर से जाइए तब भी 6 कार्बन मिल रहे हैं, और अगर आप ये यहां से जा करके और ऐसे जाइए तब भी आपको 6 कार्बन ही मिल रहे हैं, तो हम कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें वो वाली चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन मिलेंगे, ठीक है। तो आप देखो अगर हमने ये वाली चेन को सेलेक्ट किया, तो आप देखिए नंबरिंग अगर मैं इधर से करूं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है,
तो आप इसमें देखिए कितने आपको मिल रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट, एक दो और एक तीन, टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आपको कितने मिले, तीन। और दूसरा तरीका यह है कि सर हम ये वाली चेन को सिलेक्ट करें, ये वाली चेन सेलेक्ट कर लिए, अब आप नंबरिंग करिए। तो नंबरिंग जब आप करेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ये छह कार्बन हो गए। छह कार्बन में आपको देखिए कितने सब्स्टिट्यूएंट मिले, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये, तो टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बेटा कितने मिले, फोर। तो हमने क्या बताया था, वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम, ठीक है। तो आपके आप जो है ये वाली चेन को सेलेक्ट करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में आप देखिए कि ये वाला जब हम बिल्कुल स्ट्रेट जा रहे हैं तो यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, ये हो गया, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपने पहले वाले रूल को भूल गए। आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। यहां पर जब आप आए तो आपने सेवन कार्बन की ही चेन मिली आपको। अब आप यहां से अगर ऊपर की तरफ चले जाइए, सिक्स सेवन एट, सिक्स सेवन और एट, यहां से जब आप जाएंगे तो आपको मैक्सिमम एट कार्बन की चेन मिलेगी। तो इसलिए ये वाली जो चेन है ये आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जो कि सही होगा। अब आप लोगों के साथ दिक्कत यही है कि आपने दूसरा रूल पढ़ा तो पहला रूल भूल गए, तो ये नहीं करना है आपको। जो रूल है आपको सबको साथ में लेकर के चलना है, तभी आप क्या हो पाएंगे, बढ़िया नंबरों से मेडिकल कॉलेज में पहुंच पाएंगे। समझ में आया? और वो बढ़िया नंबर क्या है, 180 आउट ऑफ 180, किसमें, केमिस्ट्री में, मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। चलिए अब आपका काम फिर से शुरू हो गया। फिर से सर क्या करना है, आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, फटाफट से वीडियो को पॉज करो और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस बार क्या होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आपने कौन सी सेलेक्ट करी है, कोई गलती करी है तो आप देखो ये वाली जो चेन होगी वो लॉन्गेस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको 12 कार्बन मिलेंगे और दो ब्रांचेस मिल रही हैं, ठीक है। और अगर हम इधर वाले पे बात करें तो आपको यहाँ से पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप हमें बताइए कमेंट करके, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अच्छा एक यहाँ पर स्पेशल पॉइंट या स्टार पॉइंट करके आप नोट कर लीजिए, या स्टडी पॉइंट करके भी नोट कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या पॉइंट याद रखना है, जो इतना अभी आपको बताया गया इसमें सिर्फ इतना है कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। उसके साथ साथ में ध्यान ये रखना है कि जो साइड चेन है वो मैक्सिमम आ जाए, वो वाली चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन तो ज्यादा हुई और साथ ही साथ क्या हो, आपको साइड चेन भी ज्यादा हो, ठीक है। ये कुल मिलाकर के कहने का मतलब, ठीक है। चल आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं नंबरिंग की, कि नंबरिंग कैसे करना है। एक चीज क्लियर कर दी, अब नंबरिंग पे बात करते हैं। नंबरिंग कैसे करना है, उसका पहला रूल लिखना स्टार्ट करिए। नंबरिंग इज डन सच दैट ब्रांच गेट्स लोएस्ट नंबर, इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। अब यहां पर जो लोकेंट चीज आई है इसका मतलब होता है लोकेशन, इसका क्या मतलब होता है, लोकेशन, ठीक है। अब जैसे देखो नंबरिंग करने का एक तरीका होता है कि हम दो तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं, एक तो लेफ्ट टू राइट, एक राइट टू लेफ्ट, दो नंबरिंग करते हैं, दोनों तरफ से नंबरिंग करनी है। और जब दोनों तरफ से हम नंबरिंग करेंगे तो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं उन सब्स्टिट्यूएंट पे जो नंबर जब आपने नंबरिंग करी, जो भी नंबर वहां पर आ रहा है उसको नोट कर लो सब्स्टिट्यूएंट पर और फिर उसको जोड़ दो। ये लेफ्ट टू राइट पे एक बार करना है, फिर राइट टू लेफ्ट पे भी यही करना है और दोनों को जोड़ करके फिर टैली करना है किस तरफ वाला नंबर कम है। जिस तरफ जोड़ने पर नंबर कम आ रहा है उसी तरफ से आपको नंबरिंग कर देनी है, सिंपल। देखो
अब जब हम इसमें इधर से नंबरिंग कर रहे हैं और इसमें अगर आप देखिए तो इधर से नंबरिंग की गई है, ठीक है, दोनों तरफ जब हमने नंबरिंग करी तो टोटल 8 कार्बन है, एक सब्स्टिट्यूएंट आपका आया तीसरी पोजीशन पर, एक आया चौथी पोजीशन पर, एक आया सिक्स पोजीशन पर, तो सबको जोड़ दो, थर्ड पोजीशन पर आया प्लस फोर्थ पोजीशन पर आया प्लस सिक्स पोजीशन पर आया, तो एड ऑन करने पर आया आपके पास टोटल 13, ठीक है। अगर यहां पर बात करें तो एक का आया थर्ड पर, एक आया फिफ्थ पर, एक आया सिक्स्थ पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबको जोड़ दो, तो होगा 6 प्लस 5 प्लस 3, तो आएगा कितना 14। तो ये जो 14 आया है, आप दोनों नंबर को टैली करिए, ये 13 और 14, इसमें से छोटा कौन है, छोटा है 13, तो इस तरफ वाली जो नंबरिंग है, ये वाली नंबरिंग है, ये सही है, इधर से ही आपको नंबरिंग करनी है और नाम कर देना है। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर आपने नंबरिंग करी दोनों साइड से और दोनों साइड से नंबरिंग करने पर नंबर सेम आ गए, ऐड करने पर नंबर सेम आ गए, मान लो 13 13 आ जाता, तो आप किधर से भी कर दो, चाहे आप लेफ्ट टू राइट कर दो, चाहे राइट टू लेफ्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, एकदम क्लियर, एकदम सिंपल सी बात बता दी, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो अब यहां पर वही हमने चीज जो आपको अभी बताई है, वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि इन केस ऑफ मोर देन वन ब्रांचेस या सब्स्टिट्यूएंट हो तो कैसे नंबरिंग करते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पर आपको करना क्या है, नंबरिंग करनी है, पहले नंबर ऑफ पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है, नंबरिंग करनी है, और फिर मैं आपको नाम भी करना सिखा दूंगा इसका, ठीक है। तो फटाफट से करना है, तुरंत वीडियो पॉज करो, इसका नाम लिखना शुरू करो। देखो अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं, बताना आपको यहां से शुरू करना है, ये आपकी पेरेंट चेन सेलेक्ट होती गई होती गई होती गई यहां पर, और ये आ गया, ठीक है। अब आपको नंबरिंग करनी है, तो अब मैं आपको नंबरिंग भी बता रहा हूं। देखो जब नंबरिंग करना है तो कैसे करेंगे, यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और यहां पर 4 फिर 5, यहां पर 6 7 और 8, ठीक है, ये आपकी नंबरिंग हो गई। अब आपको क्या करना है, अब यहां पर कितने सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। अब मैं आपको पहले एक रूल बताऊंगा, फिर इसका नाम आपको करना सिखाएंगे, तो चलिए तैयार हैं आप लोग रूल के लिए। देखो आपने पढ़ लिया लोएस्ट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल और लोएस्ट सम रूल, दो रूल आपने पढ़ लिए, जिसमें आपने नंबर्स को जोड़ा उसको लोएस्ट सम रूल बोला, और लोएस्ट लोकेंट रूल का क्या मतलब है, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए सब्स्टिट्यूएंट को, तो वो भी आपने समझ लिया। अब क्या हुआ, एक इसके अलावा एक रूल आ गया अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल रूल। ये क्या होता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, ठीक है, नाम अलग अलग हो गया, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, मतलब एक मिथाइल आ जाए, एक इथाइल आ जाए, एक प्रोपाइल आ जाए, मान लो ऐसे सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, तो हम लिखेंगे किसको पहले, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। तब हम क्या करेंगे, तब हम अल्फाबेट पे जाएंगे, एबीसीडी पे, ठीक है। एबीसीडी के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आएगा वो बाद में लिखा जाएगा। अब ये देखेंगे कैसे, जो भी उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा उसका पहला अल्फाबेट देखिए आप, ठीक है, जो भी उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा उसका पहला अल्फाबेट, जैसे मिथाइल का एम, इथाइल का ई, प्रोपाइल का पी, ये देखेंगे, इनमें जो पहले आएगा वो पहले लिखा जाएगा, ठीक है, ये रूल समझ गए। अब इसका नाम करते हैं, देखो इसका नाम कैसे करना है, ये जो है ये आपका मिथाइल है कि नहीं, और ये जो है ये आपका प्रोपाइल है, लिख दिया। अब क्या करना है, अब आपको सबसे पहले बताइए कि जो ई पहले आता है या पी पहले आता है, ई पहले आता है तो जो ई पहले आता है तो इसका नाम लिख दो, सॉरी एम पहले आता है या पी पहले आता है, सॉरी सॉरी एम पहले आता है पी पहले आता है, एम पहले आता है तो आपको क्या करना है ये लिख देना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक सेकेंड, हाँ इसका नाम क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल, और 3 मिथाइल के बाद क्या आएगा,
फिर क्या कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, फोर्थ प्रोपाइल, फोर प्रोपाइल लिख दिया, तो ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, आपका प्रीफिक्स हो गया। आप क्या करें, आप रूट वर्ड पर चलेंगे क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स तो दिया नहीं है, फिर क्या करेंगे सब्स्टिट्यूएंट पर चलेंगे। तो अब मैं फिर इसके नीचे लिख रहा हूं, आपको इसके बिल्कुल साथ में लिखना है, ठीक है, स्पेस नहीं देना है। रूट वर्ड क्या होगा, आठ कार्बन है तो इसलिए लिखेंगे क्या, ऑक्ट, ठीक है। और फिर सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखेंगे, एम। थ्री कार्बन फोर, थ्री मिथाइल फोर प्रोपाइल ऑक्टेन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं फाइनली नेमिंग की तरफ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, जितना भी हमने आपको समझाया बस उतना समझ लीजिए, और उसके अलावा अब क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, लोकेंट इज रिटन, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो भी आप नाम लिखेंगे उससे पहले उसका नंबर लिखेंगे, ठीक है। जो भी नंबर होगा, जैसे मिथाइल तीसरी पोजीशन पर आया तो जो थ्री होगा वो मिथाइल से पहले लिखा जाएगा, यही यहां पर पहले रूल में बताया गया है कि लोकेंट इज रिटन बिफोर द सब्स्टिट्यूएंट नेम। दूसरे में आपको बताया गया है कि जो नंबर होगा और अल्फाबेट होगा उसके बीच में आपको क्या करना है, हाइफन लगाना है। दो नंबर एक साथ आ जाए तो उसके बीच में आपको कॉमा लगाना है, कोई भी स्पेस नहीं देना है आईयूपीएसी नाम लिखते समय, आईयूपीएसी नाम को अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग लिखना है। और चौथा केस, अगर दो एक जैसे या दो से ज्यादा एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं तो उनके लिए आपको डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ये सब यूज करना है, ठीक है। ये सब आप चीजें सीखेंगे, आपको याद हो जाएंगी क्वेश्चन करते करते, इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं आपको यहां पर फ्री में कराऊंगा इतना कंटेंट आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये जो लाख लाख सवा लाख रुपए दे करके आप कोचिंग में पढ़ते हो वहां भी नहीं कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसका फायदा उठाना आप लोग, देखो CH3 CH2 CH2 CH और CH2 CH3, चलिए ये दिया गया है, ठीक है भाई, इसका नाम करना है, कैसे करेंगे, तुरंत वीडियो को पॉज करो, लिखना शुरू करो। देखो अब आप लिख लिए होंगे, चलिए देखते हैं इसके नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले तो आपको दिख रहा है एकदम सीधा सीधा कि ये ही पेरेंट चेन हुआ, क्योंकि इधर से आएंगे चार पांच और छह, इधर भी चार पांच और छह, ठीक है, तो इसलिए स्ट्रेट वाला ही सिलेक्ट करेंगे। तो जब हम स्ट्रेट वाला सिलेक्ट करेंगे तो नंबरिंग किधर से करें सर, तो अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो यहां पर थ्री आएगा, ये थ्री आएगा यहां पर, अगर आप इधर से नंबरिंग करोगे तो ये फोर आएगा यहां पर, तो लोएस्ट लोकेंट फॉलो करना है तो इसलिए ये वाला नहीं, ये इसी तरफ से करेंगे तो हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ये छह हो गए। अब यहां पर आपको क्या करना है, नाम लिखना शुरू करना है भैया, तो नाम लिखना शुरू करते हैं। अब देखिए कौन सी पोजीशन पर आया, सबसे पहले आपको मैं फिर से बता देता हूं, देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स, वो भी कौन सा, सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, फिर रूट वर्ड, फिर प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, ये आपको लिखने, ठीक है, ये आपको इतना लिखना है। तो सबसे पहले आप चलते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की तरफ, सेकेंडरी प्रीफिक्स दिया गया है टू इथाइल, लिख दिया भैया टू इथाइल, ठीक है भाई साहब टू इथाइल दिया गया, लिख दिया। अब क्या करना है, प्राइमरी प्रीफिक्स है ही नहीं सर, प्राइमरी प्रीफिक्स तो क्या लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब साइक्लो बाई साइक्लो स्पायरो ये सब है ही नहीं। अब चलते हैं रूट वर्ड की तरफ, रूट वर्ड में कितने कार्बन, छह कार्बन, छह कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे सर, तो हेक्स लिख देंगे। अब चलते हैं प्राइमरी सफिक्स की तरफ, सारे सिंगल बॉन्ड में है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो लगा दीजिए एन, लगा दिया काम खत्म, नाम लिख गया, क्या नाम होगा इसका, टू इथाइल हेक्सेन, ठीक है टू इथाइल हेक्सेन ये नाम हो जाएगा इसका, कोई डाउट दिक्कत परेशानी समस्या नहीं तो इसको अगले वाले नाम की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पर क्या करना है, नंबरिंग करनी है, सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है फिर नंबरिंग करनी है। अब इसमें देखिए चाहे आप इस तरफ से करिए या इधर से करो,
कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों तरफ से सेम आएगा। तो हमने मान लिया इधर से कहिए 1, 2, 3, 4 और 5, ये पांच कार्बन है तो 5 कर दिया। ठीक है, अब देखो दोनों एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट हैं तो इसको अलग अलग नहीं लिखेंगे, इसको एक ही में लिखेंगे। नंबरिंग करेंगे पहले, नंबरिंग कैसे लिखेंगे, 3, 3, 3, 3 क्योंकि एक ही पोजीशन पर है, दो है तो इसलिए क्या लगाएंगे, डैश लगा करके डाई लिख देंगे, डाई लिख दिया। अब क्या करेंगे, फिर मिथाइल, क्योंकि मिथाइल ही है ना सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, छोड़ो। रूट वर्ड, रूट वर्ड है सर पेंट, पांच कार्बन है इसलिए पेंट। और फिर सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लगाएंगे, एन। ठीक है, इसलिए क्या लगाएंगे, एन। सेकेंडरी सफिक्स है नहीं तो इसलिए छोड़ दें, काम खत्म। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इतना आसान है आईपीएससी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं, इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और एक बात बता दें, कल जो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराएंगे उनमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो आपको अलग से उनको करने की जरूरत ही नहीं, एक जो आपके ऊपर एक्स्ट्रा काम रहता है वो हमने खत्म कर देंगे। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहीं पर मिल जाएगा, कुछ आपको अलग से करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो चलिए अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने की जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत काम आसान हो जाएगा। चलो भाई अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या कर देंगे, नंबरिंग इधर से करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 कार्बन हो गए, 9 कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लिया। अच्छा इधर से करो तब भी वही आएगा, देखो यहां पर 4 आएगा, इधर से जब आपने किया तो यहां पर आएगा आपका 4, ठीक है, यहां पर आएगा आपका 6, तो दोनों सेम ही तो आ रहे हैं, दोनों को ऐड करने पर क्या हो रहा है, 10 ही तो हो रहा है, तो आप किधर से भी नंबरिंग कर दो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए जो पहले आ रहा है इसको मिनिमम नंबर देंगे। ठीक है, इसमें एक चीज ये नोट कर लेंगे कि ये जो ई है ना, ई पहले आ रहा है तो इसलिए इधर से नंबरिंग हम करेंगे। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करें, नाम लिख दें, नाम लिख दें, तो यहां पर देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर लोएस्ट लोकेंड रूल भी लगा, लोएस्ट सम रूल भी लगा, और क्या लगा, अल्फाबेटिकल रूल भी लगेगा, क्योंकि यहां पर ई पहले लिखेंगे या एम पहले लिखेंगे, तो ई पहले लिखेंगे, तो लिखो, लिखेंगे क्या, 4-ethyl, फिर 6-methyl, 4-ethyl, 6-methyl, और 9 कार्बन है इसलिए नोन और एन, नोनेन, सिंपल सा नाम हो गया इसका। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा बताइए, कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट कर ली सर, स्ट्रेट कार्बन चेन सेलेक्ट होगी, एकदम सीधी ये वाली। ठीक है, ये कार्बन चेन हमने सेलेक्ट कर लिया, कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, आप इसको फटाफट से नंबरिंग कर दो, नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा, नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर से नंबरिंग करें या इधर इस तरफ से नंबरिंग करें, इस तरफ से करेंगे क्योंकि ये पास पड़ रहा है, तो देखो ये हो जाएगा क्या, 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है, अच्छा इस तरफ से कर लो तो हो जाएगा ये 3 और ये 5, तो दोनों सेम ही पड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ से क्यों करी फिर नंबरिंग, क्योंकि इस तरफ से जो आपका इथाइल है ई पहले आ रहा है। ठीक है ना, कौन पहले आ रहा है, ई पहले आ रहा है और एम बाद में आ रहा है, तो इसलिए जो पहले आता है उस तरफ से नंबरिंग करते हैं, यही तो था अल्फाबेटिकल रूल, कुछ और था क्या, यही तो था। तो अब देखो इसका नाम लिखेंगे, नाम क्या लिखेंगे, 3-ethyl और डैश 5-methyl, 3-ethyl 5-methyl, 7 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, हेप्ट और फिर एन, ये आपका काम खत्म हो जाएगा। तो इतना आज के लिए था, अब ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन को का आंसर मैं दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ये आपके लिए है होमवर्क, मैंने कहा था ना एक होमवर्क मिलेगा,
तो वही यही है होमवर्क, इसको फटाफट से नोट करना है और आपको आंसर बताना है इसको, इसका कमेंट सेक्शन में, जो हमारा कमेंट सेक्शन है इसमें आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है? जल्दी से आपको इसका आंसर लिखना है, तो फिर हम लोग आपका जो भी सही ना इसका आंसर बताएगा उसका नाम हम लोग नेक्स्ट हम उसका नाम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे कि किसने इसका कमेंट सेक्शन में सही नाम बताया था। नेक्स्ट वीडियो आने से पहले यानी कल 5 बजे से पहले पहले आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना है, ठीक है? अब हम लोग कल की क्लास में क्या करेंगे वो चीज आपको बता देते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनका नाम कैसे लिखते हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको करना ये है कि ये जो सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है ना नीचे, इसको तुरंत से हिट कर दो, ठीक है? इसको हिट करके सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और जो बेल आइकन दिख रहा है उसमें आपको ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपको इस वीडियो को लाइक तो करना ही है क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो फटाफट से इसको लाइक कर दो। कमेंट तो करना ही है कि आपको कमेंट इसलिए भी बेटा करना है कि आपको हो सकता है कहीं पर कुछ चीज ना समझ में आई हो या आप रिपीट कराना चाह रहे हो तो आप इसको कमेंट में मेंशन कर दीजिए, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ये भी लिख दीजिए क्योंकि ये हमें हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है? और अगली चीज आपको शेयर जरूर करना है, इस चैनल को आपको जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है क्योंकि अगर आपको फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो एक काम तो कर ही सकते हो बेटा मेरा कहने पर, ठीक है? इसको शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, इतने लोगों तक जिनको इसकी जरूरत है, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी भी वजह से, उनको पैसे की कमी है या कुछ है, जो वो इतनी बड़ी कोचिंग में नहीं जा पा रहे हैं और घर पे बैठ करके पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनको जरूर इसको शेयर कर दीजिए, जो इस समय 11th क्लास में है, जो 12th क्लास में है, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको जरूर इस वीडियो को भेजो जिससे कि उनकी मदद हो सके, ठीक है? अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक। थैंक यू वेरी मच।